सबसे पहले मैं इस जगह से पुराना लगा हुआ खराब वायर हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सोल्डी कर लेता हूँ दो बढ़िया वायर, हरा और सफेद कलर का, और जो भी इसमें का एक्स्ट्रा वायर बचेगा मैं उसे कटर की मदद से कट कर लेता हूँ। अब मैं इस पूरा मोबाइल फोन के इसके बॉडी में यानी कि इसके कवर में वापस से लगा लेता हूँ जहाँ से मैं इसे निकाला था। अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाकर देख लो यार। लाजवाब इन्वेंटर चैनल पर जाओ और पूरा का पूरा वहाँ पर क्रिएटिव टाइप के वीडियो जाकर देख सकते हो। मैं इसमें जल्दी जल्दी पूरा का पूरा इसमें जितना भी फोन का स्क्रू निकाला था वापस से कस लेता हूँ। इसके पहले दोस्त अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब इस फोन के ऊपर का जो भी हमारा ढपक था यानी कि बॉडी था मैं उसे यहाँ पर लगाकर टाइट कर लेता हूँ। पूरा बढ़िया तरीके से बंद करने के बाद से अब हमारा बारी आ चुका है यहाँ पर स्विच जोड़ने का। इस जगह पे मैं जोड़ लेता हूँ ये छोटा सा स्विच। इसके पहले मैं इसका लेग काफी बड़ा है उसे कट कर लेता हूँ और किसी भी वायर में कोई सा भी जोड़ सकते हो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब ये छोटा सा स्विच इस होल में काफी बढ़िया तरीके से मैं फिक्स कर लेता हूँ और इसके बाद से मैं यहाँ पर बैटरी भी लगा लेता हूँ। इसके ऊपर से इस बैटरी का कवर जो भी था उसे भी मैं लगा लेता हूँ एंड आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ पार्ट 3 में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो पार्ट 3 के लिए।